आप तो बंदों को भी बांध के रखते हैं जी। बेबे हैं हमारी, इन्हें भूलने की बीमारी कहीं भी निकल जाती है, इसीलिए जरा मिले। कौन है पुत्र? बेबे, मैं मान है साडा। अच्छा अच्छा, अच्छी तरह खातिर करी, मेहमान भगवान हुंदा है। खाना खा ले। हाँ चले। ऐसा है, पिछले 15 सालों से बस ब्रोकरी के धंधे में है, दिल्ली से फिरोजपुर और फिरोजपुर से फगवाड़ा। नहीं जी थैंक यू। सब बड़ा बड़ा मंत्री हमको हेलो करते हैं, इस एरिया का जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री देख रहे हैं ना, सबका ब्रोकरी हमने किया है। परमिशन दिलवा दो और कमीशन बोलो, तुम्हारी इस इलाके में चलती है, इसलिए हम 15% कमीशन का ऑफर देते हैं, समझे? नहीं तो किसी भी एरिया का गुंडा मवाली को हम 10% में निपटा देते हैं। मक्खन दे जरा। ये इस घर की बहू है, ये स्वीटी टोनी दी वाइफ, और ये पोली टीटो दी वाइफ। हमें लगा इस घर की नौकरानी है। अच्छा माता जी, नमस्ते। अच्छा पुत्र, फिर आई। खोता सिंह, कितने जा रहे हैं तू? भैंसों को कौन नहीं लाएगा, तेरा पियो? अरे मैं खोता सिंह नहीं हूँ, हाथ छोड़िए मेरा। ओए बेबे को दौरा पै गया है, जब कोई अजीब सी आवाज सुन लेती ना, जब वो मोंटू से कुछ चलाता है तो दौरा पै जाता है, पैसों को हम ना लेंगे। आप चलो चलो, बिना नहलाए कैसे जाएगा तू? अरे वो क्या है जी, की खोता सिंह हमारा चौकीदार था, बेबे आपको वही समझ रही है, खोता सिंह। वो इससे पहले आपसे सफाई कराए ना, आप चल पड़ो यहाँ से। बस मेंटल, कैसा मेंटल, अस्पताल में भर्ती कराओ। हुई जबान और घर पे आए हुए मेहमान की हम बड़ी इज्जत करते हैं। अरे गलती, अरे बेटा, ये कार हमारी माँ है, इसके अंदर हम खून खराबा नहीं करते। ओए पाजी, आप कहाँ चले गए थे? ओए टोनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओए तू जानता है टोनी पाजी को? सबसे पहला बंदा यही तो मिला था यार। चलो कोई तो मिला जिसने इसे बंदा कहा है। ओए महाराज बैठो। की होया? कदी हंस भी लिया करो। पापा पैग लगाएगा फिर हंसेगा। और चुप करो। ये बकवास खाता कौन है इसको? चल दफाओ। पाजी, आप रोटी नहीं खा रहे, आपको भूख नहीं लगती? हर खोते जैसे दिखने वाली चीज खोती नहीं होती, और हर भूख का इलाज रोटी नहीं होती। तू खा ले। वाह पाजी। पाजी, आप पहले हाईवे पे ट्रक चलाते थे? नहीं तो? तो ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी कैसे बोल लेते हो? हाँ तो तुम कुछ जमीन बेचने की बात कर रहे थे। पाजी पहले रोटी खा ले, गोल्डी क्या जल्दी है। सिलेंसर पाओ, सिलेंसर पाओ। जल्दी है। वो क्या है, तहसीलदार का दफ्तर जल्दी बंद हो जाता है। हाँ। इसलिए टीटो को थोड़ी चिंता हो रही थी। चल झूठा। सॉरी पाजी। अब पाजी, सुख का मतलब था कि तहसीलदार का दफ्तर तो 5 बजे बंद। हाँ। अभी तो 3 ही बजे। मेरा हो गया। एक मिनट जी, एक मिनट, जल्दी क्या है, आइसक्रीम तो खाने दो। ओहो, ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले आओ पाजी। वाह 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 वाह, टीटू पाजी तुसी भी खा रहे? खा लो, खा लो। नहीं नहीं खा रही, आइसक्रीम तो गधे भी खाते हैं। ये खा लेगा तू, खा ले पहले। मेरा मतलब है,
आइसक्रीम पिघल जाएगी ना। अच्छा जी हो गया जी। चले सर। ओ एक मिनट जसी, लस्सी तो रह गई। हाँ आइसक्रीम के बाद कोई लस्सी पीता है? पागल हो गई तू? लस्सी तो रह गई, लस्सी तो रह गई। मेरा मतलब है आइसक्रीम खाने के बाद अगर बंदा लस्सी पीता है तो उसका पेट खराब हो जाता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मेहमान को तो हम भगवान मानते हैं, कोई भगवान का पेट खराब कर सकता है? ना जी, नहीं जी, नहीं नहीं। हाय हाय, पाजी को कितनी चिंता रहती है मेहमानों की, कहीं इसी चिंता में मार ना जाए। हाय फिटे मुदर, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। पाजी आपका दिल बहुत बड़ा है, ते लस्सी का ग्लास उससे भी बड़ा है। पम्मी जी रहने देते हैं, चले। हाँ, चलो चलो चल। पाजी आपके यहाँ मेहमान हाथ धो सकता है? कोई कोई हाथ धुलाओ उसके। उधर आ जाओ जी, आ जाओ। मैं हाथ धुला देती हूँ। क्या हो गया उनको, बड़ा गुस्सा कराए। मजा आ गया जी, ऐसा वेलकम बड़ा काम में देखने को मिलता है। अजी संधू खानदान की हॉस्पिटैलिटी तो हर अस्पताल में मशहूर है। अच्छा जी, कौन सा खानदान? संधू खानदान। ये संधू खानदान का कार है? आहो जी बिल्कुल, वही जिसकी रंधावा खानदान से दुश्मनी है। आहो, दुश्मनी का तो क्या पा रही हूँ मैं, अब तक तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली हो जानी थी, बस एक बार वो रंधावा का मुंडा मिल जाए, बिल्लू जी उसे मार दे, उनकी कसम पूरी हो जाए, तो मेरी शादी हो जाए। पता नहीं कहाँ होगा मर जाना, वो मेरे सामने आना मैं खुद ही मार दूं उसे। चलो आपका हो गया जी। तौलिया। ओए तौलिया। लो रंधावे के मुंडे के चक्कर में मैं तौलिया ही भूल गई, मैं हूं ही लाती हूँ। कहाँ फंस गया? कितने फंस गया? जी मेरा मन कर रहा है मैं इस रंधावे के बच्चे के ना टूटे टूटे करके कोल्ड ड्रिंक पीऊं रम पा के उसमें। ओ तुझे नहीं पता, घर के अंदर आइसक्रीम को देख के मेरे मुंह में नाइग्रा फॉल आ गया था। पर पाजी हम इसे घर के अंदर क्यों नहीं मार सकते? वो संस्कार कल्चर भी कोई चीज होती है। घर के अंदर ये हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान होता है, घर के अंदर जब तक है तब तक जिंदा है। अच्छा जी। लेकिन जैसे इसने हमारे घर के दहलीज से कदम बाहर रखा, हम इसके टोटे टोटे कर देंगे। ओके। और क्या बंदे नहीं देखे हमारे, संता बंता खाले चिंदा पप्पू जरनैल करनैल सारे सारे तलवारें लेके और भी हैं नहर के पीछे, मेंड से पहले बिखेर देना, मेंड से पहले, समझ गए? और कौन था वो? ये लोग तो यही बैठे थे। अच्छा, आपने इसको बाहर आते हुए नहीं देखा ना? पाजी हम तो इसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो फिर ये बाहर से अंदर कैसे आया? तू यहाँ है? अरे मैं तौलिया लेके इधर उधर ढूंढ रही हूँ तेरे को, हैं? मम्मी जी, हाँ? मैं आपका कार देख रहा था जी। अच्छा? आपका कार बहुत बड़ा है। अच्छा? और आपका दिल उससे भी। तौलिया। हाँ। चले
देर हो रही है ना। वो जा रहे हो? ओ ठीक है जी, हैं? अच्छा फिर आना हैं? सत श्री अकाल जी। ठीक है जी, ठीक है जी। ओ तौलिया तो देते जाओ, हैं? तौलिया लेके चले जाओगे, हैं? लो सत श्री अकाल। तौलिया ले जाओगे। ओए मेरा बैग इतने रह गया जी। ये रहा तेरा बैग, ले फोड़, आइंदा मत भूलना। थैंक यू जी, आजा। थैंक यू, आजा जस्सी। सत श्री अकाल जी। बाय जी, बाय बाय जी, बाय बाय। चल चलो चलो। ओए सुख, ओए यहाँ मैं वहां का ढूंढ रहा है। ओए सुख, ओए मैंने तेरा कैमरा तेरे को दे दिया था। ये ले, वो तो तूने मंदिर में ही दे दिया था। अच्छा, और की मैं जाऊं? हाँ बाय 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 बॉबी। बाय यार, ऑल द बेस्ट। ओए बॉडी पुत्र, तू कितने चले, देर हो रही है ना। स्वीटी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, फिर आना जी। बोली जी, तुसी बड़े स्वीट हो जी। तुसी बहुत हसाते हो, ऐना भी ना हसाया करो, कहीं हंस हंस के बंदे को शुगर ना हो जाए। भाई अच्छा, तो लो फिर एक जोक सुनाओ। मैं हंस रहा, मेरा मतलब है देर हो रही है ना। आजा चल, जाने वाला नहीं, बता रहा हूँ। सत श्री अकाल जी। आजा यहाँ से जाने का ना मन नहीं कर रहा। आप लोगों ने इतनी खातिर की है ना मेरी, इतनी खातिर की है कि इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया है। वो मुर्गा तो कमाल का था जी, और जी वो जो अचार जो था ना जी, वो अचार वो तो मैं लाई थी अमृतसर से। ओए अच्छा, अमृतसर। अमृतसर से कहाँ से जी? वो जी अमृतसर में बस डेपो पता है ना, वो जहाँ बहुत सारी बसें खड़ी रहती है, बस उसी से लगती है ना। हम और ले आएंगे। पाजी आपका दिल बहुत बड़ा है, तो ये अचार का मर्तबान उससे भी बड़ा है। चले अच्छी, चल अच्छा जी, अच्छा जी। क्या हुआ बेबे? एक बार बेबे से मिल लू। बेबे बेबे मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। देर हो रही है ना, जा। कुत्ता सिंह कहाँ जा रहे? भैंसों को कौन निलाएगा, तेरा प्यो? भैंसे, भैंसों को मैं निलाऊंगा, सारी भैंसों को निला दूंगा। कहाँ है भैंसे? अच्छा भैंसे, प्यारी भैंसे, भैंसों को हम निला देंगे। नहीं मतलब मेहमानों से काम नहीं करवाते ना। आओ पाजी आओ। खबरदार खुदा से, जो भैंसों को निलाए बगैर गया तो मारती रहती। अरे पुत्र, तू गया नहीं अभी तक? लेकिन भैंसों को निला। ना ना पुत्र, तू तो मेहमान है, और मेहमान भगवान होता है। भगवान से भैंसों को नहलाकर नरक में जाना है मुझे। ना ना पुत्र, तू जा जा पुत्र जा। चलो जी पाजी, आ जाओ। ले ले ले, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। अचार ये ले। बाय बाय जी, बाय बाय जी, बाय 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 जी, बाय 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 बाय। मेरा मतलब है कि बंदा जाए या बाए, अरे बंदे को अपना काम तो कर लेने दो। हाँ। है? जाओ जाओ, आप भी अपना काम करो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो।
सुने, बाहर बहुत काम करने हैं। चल जी, मैं कहता हूँ सब मिलकर ना भूख मारते हैं, इसलिए आप भी बाहर चले जाना। Come on!